प्रधानमंत्री के 9 साल पूर्ण होने पर आप लोग टिफिन में बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, सब उसका कार्यक्रम क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा है, इसमें जात पात नहीं, सारे कार्यकर्ता सब मिल के खाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल की सारी योजनाएं जो धरती पर उतरी हैं, गरीबों को लाभ हुआ है, वो मकान हो, वो शौचालय हो, वो किसान निधि हो, वो रेड़ी पटरी वालों को 10,000 से लेके 20,000 का ऋण हो, मतलब जो मदद है, और वो सारी चीज़ें जो करोड़ों करोड़ों में लाभ हुई हैं, लाभार्थियों की बातें होंगी और 24 की योजना कैसे होगी उस पर चर्चा होगी, तो आज का कार्यक्रम बहुत मायने रखता है। पूरा संगठन है हमारा, सारे पार्षदगण हैं, सारे महामंत्री हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पूज्य महाराज जी स्वयं हैं। इसको लेकर आप लोग उत्सुक हैं कार्यक्रम? ये ऐतिहासिक है कि हर बड़ा एक्साइटमेंट है कि किसके टिफिन में से क्या खुलेगा, और महाराज जी के टिफिन से क्या खुलेगा, हमारे टिफिन से क्या निकलेगा, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लग रहा है। हाँ, ये महाराज जी के लिए भी है और मेरे कार्यकर्ताओं के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी योजनाओं को जनता के बीच मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से रखा जाएगा कि लाभार्थी गरीब कल्याण कैसे हुआ, मकान हुआ, शौचालय हो, किसान निधि हो, रेड़ी पटरी वालों को जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए गए, वो सारे नंबर के साथ बताए जाएंगे, और हर बिरादरी के साथ, संगठन में हर बिरादरी है, उनके साथ एक दूसरे का भोजन होगा, तो टिफिन खुलने वाला एक्साइटमेंट भी है, सब में ज़्यादा है कि पूज्य महाराज जी के टिफिन से क्या निकलेगा, मेरे टिफिन में भी क्या है, उसमें भी एक्साइटमेंट है, तो ये भी है। और बड़ा आज मुझे बड़ा जोश दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही सुंदर संगठन ने सोच रखी है कि टिफिन पर चर्चा हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।